सो गाइस आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रिमोट कंट्रोल आरजीबी ब्रिक लाइट की। यदि बात करें इसके प्राइस की तो आपको 170 रुपीस के आसपास मीशो में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस कोड को आपको मीशो में सर्च कर देना तो आपको ये ब्रिक लाइट शो कर देगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी मीशो ऐप की। यदि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मीशो एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, आप वहां से मीशो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पर 100 रुपीस का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसकी फटाफट से क्विक अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी रहती है, इसे कैसे आप ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें रिमोट कंट्रोल वाली फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है। और मैं आपको बता दूं कि इस वाली आरजीबी ब्रिक लाइट में जो एलईडीज लगी हुई है वो 50 वॉट की है, तो यार आपको अच्छा खासा कलर्स इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसकी फटाफट से क्विक अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या इसमें कलर्स आपको किस प्रकार से इफेक्ट देखने को मिल जाता है। जब आप इसे यूज करेंगे तो आपको कैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। यदि बात करें इसके यूज की तो आप इसका यूज कहीं पर भी कर सकते हैं, अपने घर में दीवारों पर भी कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा लाइट इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, आप अपने गार्डन में इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं फटाफट से क्विक अनबॉक्सिंग। दोस्तों कुछ इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग आपको इस वाली आरजीबी ब्रिक लाइट की देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे फ्रंट साइड का सीन कुछ इस प्रकार से रहता है। यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ब्रिक लाइट आरजीबी लिखा हुआ है, साथ ही में आपको 50 वोल्ट के साथ देखने को मिलने वाली यहाँ पे लिखा हुआ है अपना देश अपना प्रोडक्ट कर। यहाँ पे थोड़ी सी इंडियन की प्रॉब्लम बात हो जाती है। बात करिए यहाँ पे बैक साइड की, यहाँ पे आपको सेम टू सेम सीन देखने को मिल जाता है जो कि आपको फ्रंट में देखने को मिला था। यदि बात करें इस साइड की तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। यदि बात करें बॉक्स के इस साइड की तो आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, अटेंशन देखने को मिल जाता है, एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। बात करें यदि यार यहाँ पे फीचर्स की तो आपको नो यूवी और आईआर रेडिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। और फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अटेंशन से लिखा हुआ है कि आपको इसे बच्चों से दूर रखना है, तो आप ये सब चीजें पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इसका यूज कीजिएगा। आप इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं एप्लीकेशन से, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेबल फॉर होम ऑफिस मीटिंग रूम होटल कैबिनेट शॉपिंग मॉल। आप लोग जहाँ पे चाहे वहाँ पे इस वाली आरजीबी लाइट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं यार, क्योंकि यार आपके पास तो टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसे अनबॉक्स करने होगा, आप बोलेंगे यार क्या बात आ रहा है, इस प्रकार से हमको भी पता। चलिए यहाँ से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर का सीन कुछ इस प्रकार से रहता है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आपको आरजीबी लाइट देखने को मिल जाती है, साथ ही आपको यहाँ पे एक रिमोट देखने को मिलता है। चलिए फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं। ये है आरजीबी लाइट और ये है रिमोट, यार अब इसमें बताना क्या है, आप लोग तो देख ही रहे हैं। सो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक छोटा सा रिमोट देखने को मिल जाता है, मतलब यार आप यहाँ पे इस वाले रिमोट से इस वाली लाइट को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी काफी ठीक ठाक इस वाले रिमोट की। तो चलिए यहाँ पे इस वाले रिमोट को भी साइड में रखकर बात करते हैं इस वाली आरजीबी लाइट की। तो यहाँ पे लाइट की क्वालिटी जो यहाँ पे लग रही है यार वो काफी शानदार तो नहीं बोलूंगा मैं, बाकी ठीक है एवरेज यार आपको इस प्राइस में क्या ही मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली लाइट से प्लग इन कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्लग लेकर ला लेना, आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वालिटी काफी शानदार दी हुई है, आपको यहाँ पे स्टैंड देखने को मिल जाता है, आप इस प्रकार से कहीं पर भी इसे रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं इसका यूज करके बताता हूँ कि कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं इस वाले रिमोट की हेल्प से। तो सबसे पहले इसे मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना होगा लाइट से। तो फ्रेंड्स आपको मार्केट में 10 रुपए के आसपास ये प्लग देखने को मिल जाता है, तो जरूर से आप इसे ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको इस वाली ब्रिक लाइट में प्लग को लगा लेना है। तो चलिए मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम इसे डायरेक्टली लाइट से लगा देंगे, मतलब क्या बिजली से। तो यहाँ पे मैंने राउंडर ले लिया है और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि जब भी आप इसे लाइट से कनेक्ट करें तो इसे आप टच नहीं करेंगे, रिस्की हो सकता है, करंट लग सकता है, क्योंकि यार यहाँ पे पूरा टीन का शेप है जो डिज़ाइन किया गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, तो आपको करंट लग सकता है। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जब भी आप इसका यूज़ करेंगे तो आप इसे कनेक्ट कर दीजिए, देन उसके बाद आप इसे ऑन ऑफ इससे कर सकते हैं, कलर को चेंज इससे कर सकते हैं। चलिए मैं फटाफट से दिखा देता हूँ कि कैसे सब कुछ करना है। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अभी ये जो आरजीबी लाइट है वो ऑन हो चुकी है, जैसे आप प्लग इन करेंगे तो लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। आप इस वाले रिमोट की हेल्प से इसे ऑफ कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऑन ऑफ करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आरजीबी यहाँ पे मतलब क्या सारे कलर्स ऑप्शन है। आप जिस भी बटन को प्रेस करेंगे ये जो लाइट है उसी कलर में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैं अपना जो बैकग्राउंड लाइट है उसे ऑफ करता हूँ तो आपको ज़्यादा यहाँ पे क्लियर समझ आएगा। तभी मैंने यहाँ पे सेटअप की लाइटों को ऑफ कर दिया। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से कलर्स ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जब ये वॉल पे आप देखेंगे तो यार इसका जो लुक है वो काफ़ी शानदार आता है। इसे आप अपने यदि आप वीडियोज बनाते हैं तो आप इसे बैकग्राउंड में भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ऑफ के बटन प्रेस करेंगे तो यार यहाँ पे भी जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे लाइट ऑफ हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे इसे ऑन करेंगे यहाँ पे लाइट ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे आप जिस भी बटन को प्रेस करेंगे उसी कलर में यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है। यहाँ पे आप इसे वाइट भी कर सकते हैं, इस प्रकार से आप रेड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो मोड है, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे फ्लेश लिखा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रोब लिखा हुआ है, फेड लिखा हुआ है, स्मूथ लिखा हुआ है। तो यार यहाँ पे आपको सारे के सारे मोड भी देखने को मिल जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आप जैसा भी यूज़ करना चाहे आप कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो यार यहाँ पे लाइट काफ़ी शानदार दी हुई है, तो आप यहाँ पे सारा कुछ कंट्रोल इस वाले रिमोट की हेल्प से कर सकते हैं। इसे ऑन ऑफ करना है, कलर चेंज करना है, मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया है। आप इसे जहाँ पर भी सेट करना चाहे आप
इस वाली ब्रिक लाइट को वहाँ पर सेट कर दीजिए, उसके बाद आप इस वाले रिमोट से सारा कुछ कंट्रोल कर लो। गाइस ये आरजीबी ब्रिक लाइट मुझे प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी लगी। इसका लाइट इफेक्ट भी आपने देखा, काफ़ी अच्छा इसका लाइट इफेक्ट है। और यहाँ पे आप रिमोट से सारा कुछ ऑपरेट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे लाइटों को चेंज करना है, मतलब कि कलर्स चेंज करना है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। आप इसका यूज़ कहीं पर भी कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ स्टार्टिंग में ही बता दिया है। और मैंने आपको बता दिया कि आप इसे जब लाइट से कनेक्ट कर चुके होंगे तो इसे टच नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि करंट आ सकता है, इसीलिए मैं आपको बता दिया। तो क्वालिटी ठीक ठाक है, बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, लुक काफ़ी शानदार है। और सबसे बड़ी बात क्या, इसका जो लाइट इफेक्ट है वो काफ़ी शानदार है आरजीबी, मतलब क्या आप इसमें कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ये जो आपको कोड स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको मीशो एप्लीकेशन ओपन करना है, देन आपको इस वाले कोड को सर्च कर देना, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप उस वाले स्क्रीनशॉट को मीशो एप्लीकेशन में जाके सर्च कर दीजिए, तो आपको ये ब्रिक लाइट शो कर देगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिए, जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।